युग काव्या पुराण सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड था और उससे भी ज्यादा एक्साइटेड थी उसकी मम्मी कुसुम। आखिरकार कुसुम का इंतजार खत्म हुआ। सुबह से जिस बात को कुसुम ने अपने जहन में दबा कर रखा था उसे बाहर निकालने का वक्त आ चुका था। इससे पहले कि पुष्करनाथ युग को कुछ बता पाते कुसुम अपने ही आप सब बताने लगी और बोली, युग आज पता है क्या हुआ? हम लोग सुबह उठे और जब किचन में जाकर तुम्हारी नई सुप्रीम टी की रेसिपी देखी तो उसे बनाने का तय किया। कुछ देर के बाद हम अच्छी सुप्रीम मिल्क टी और सुप्रीम फ्रूट टी बनाने में सफल हुए। यूं ही कुसुम ने एक सांस में युग को सब कुछ बता दिया। मेहता इलेक्ट्रिकल्स की मालकिन वाणी मेहता का रामदेव ढाबे पर एक ग्राहक की तरह आना और उसके साथ आई महिला का अजीब बर्ताव और फिर उसके अजीबो गरीब नखरे। कुसुम ने एक एक करके युग को सब कुछ विस्तार से बता दिया। अच्छा ऐसा हुआ? क्या ये वाकई सच है कि मेरी बनाई हुई सुप्रीम मिल्क टी और सुप्रीम फ्रूट टी पीरियड्स पेन से राहत पाने में मददगार हैं? तो अब समझ आया। युग ने चौंकते हुए अपने मम्मी पापा से कहा, हाँ युग तुम्हारी मम्मी एकदम सही कह रही हैं। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की प्रेसिडेंट काव्या जी हमारे ढाबे पर आई थी। उन्होंने जब तक हमारे ढाबे के स्वादिष्ट पकवान नहीं चखे थे तब तक उन्होंने जोरदार हंगामा किया और तुम्हारी मम्मी तो बेहद परेशान हो गई थी। पुष्करनाथ ने युग को काव्या के नखरों के बारे में बताते हुए कहा, हाँ बेटा सचमुच काव्या जी से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तब तो उन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया था। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आया जब उन्होंने वाणी से कहा कि हमारा रामदेव ढाबा एक बकवास आइडिया है, इसे बंद कर देना ही बेहतर विकल्प होगा। काव्या की कही बात को याद करते हुए कुसुम का मन गुस्से से भरने लगा कि तभी उसे याद आया कि कैसे मेहता इलेक्ट्रिकल्स की मालकिन वाणी मेहता ने सिचुएशन को संभालते हुए सब कुछ ठीक कर दिया और अपनी दोस्त काव्या का गुस्सा भी शांत करवा दिया। अच्छा तो ऐसा हुआ आज? तभी मैं सोचूं कि आज सुबह स्कूल में भी नैना और अनुभूति मैडम ने जैसे ही सुप्रीम मिल्क टी और सुप्रीम फ्रूट टी का एक घूंट पिया उन्हें कुछ अजीब ही महसूस हुआ और उन्होंने उतना ही अजीब रिएक्शन दिया। युग ने इतना कहते ही कुछ देर सोचा और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने जो चाय के साथ नया एक्सपेरिमेंट किया है ये न केवल अपने अच्छे स्वाद से लोगों को पसंद आएगा बल्कि महिलाओं के लिए दवाई का भी काम करेगा। वाह हाँ बेटा तुमने एकदम सही कहा। वाणी जी और काव्या जी का भी यही कहना था। और तो और काव्या जी ने तो ये तक कहा कि वो आगरा में रहने वाली तमाम महिलाओं को हमारे ढाबे की सुप्रीम मिल्क टी और सुप्रीम फ्रूट टी के फायदे के बारे में बताएंगी। कुसुम ने मुस्कुराकर युग से कहा। युग स्कूल में हुए मसले को पूरी तरह से भूल चुका था। उसके दिमाग में इस वक्त बस एक ही बात घूम रही थी, मैंने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। स्पेशल नूडल्स और सुपर स्पेशल समोसे के बाद अब मेरी बनाई सुप्रीम मिल्क टी और सुप्रीम फ्रूट टी की रेसिपी का जादू हमारे रामदेव ढाबा के ग्राहकों पर छाएगा। यही नहीं इससे तो हमारा कस्टमर बेस और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये सुप्रीम मिल्क टी और सुप्रीम फ्रूट टी के सफल प्रयास के साथ साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होना युग के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि देश की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों में से एक ब्यूटी कॉस्मेटिक्स खुद उसके रामदेव ढाबा के साथ डील करना चाहेगी। युग और उसके पापा पुष्करनाथ पिछले कई सालों से कुसुम के मुंह से ब्यूटी कॉस्मेटिक की कथा सुनते आ रहे थे। लगभग हर रोज कुसुम ब्यूटी कॉस्मेटिक का विज्ञापन या तो अखबार में देख लेती या फिर टीवी पर उसके पसंदीदा नाटक के बीच आने वाले विज्ञापन में, और साल दर साल ब्यूटी कॉस्मेटिक का विज्ञापन देखते रहने से वो कुसुम का सबसे पसंदीदा ब्यूटी ब्रांड बन चुका था। युग अपनी मम्मी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देख पा रहा था। उसने एक नजर अपने रेस्टोरेंट की ओर घुमाई और फिर रामदेव ढाबा के चमचमाते बोर्ड को देखते हुए सोचने लगा, कितनी खुशी की बात है ना कि हमारा प्यारा रामदेव ढाबा नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कल जो केवल एक आम सी दुकान थी आज ब्यूटी कॉस्मेटिक जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इस पार्टनरशिप से एक बात तो पक्की है, रामदेव ढाबा पर महिला ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी और काव्या जी का पर्सनल और प्रोफेशनल सपोर्ट हमारे बिजनेस में चार चांद लगा देगा। स्कूल में ब्यूटी कॉस्मेटिक की प्रेसिडेंट काव्या से बात करते समय युग के दिमाग में जितनी भी शंका थी वो अब पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। उसके बाद युग ने अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर डिनर किया और फिर वो लोग अपने अपने रूम में सोने चले गए। युग अपने कमरे की बेड पर लेटा हुआ पूरे दिन में हुई घटनाओं को फ्लैशबैक की तरह दोहरा रहा था। कुछ ही देर में युग की नींद लग गई क्योंकि भले ही वो आज दिन भर सोया था मगर सोना युग के लिए दुनिया का सबसे पसंदीदा काम था। युग यादव एक ऐसा अद्भुत प्राणी था जो कभी भी कैसे भी किसी भी अवस्था में और चाहे जितनी देर के लिए सो सकता था। अगली सुबह रामदेव ढाबा और यादव परिवार के लिए बहुत ही शुभ होने वाली थी। सुबह जैसे ही सूरज उगा कुसुम और पुष्करनाथ जाग चुके थे और किचन में जाकर पकवान बनाने की तैयारी कर रहे थे। युग अब भी गहरी नींद में सो रहा था। युग बेटा उठो, चाय बन गई है, आज हमारे पास बहुत सारा काम है, जल्दी से उठ जाओ, नीचे आ जाओ बेटा। कुसुम ने किचन में से ही युग को जोर से आवाज लगाई।
युग के लिए मम्मी की आवाज सालों से अलार्म घड़ी का काम कर रही थी। कुसुम की एक आवाज से युग फटाफट उठा और ब्रश करके नहा धोकर नीचे किचन में पहुंचा और प्लेटफॉर्म पर बैठकर चाय पीने लगा। देखते ही देखते सुबह के 10 बज गए और युग के मुताबिक ब्यूटी कॉस्मेटिक से कोई न कोई अधिकारी बिजनेस डील के लिए आने ही वाला था। युग का अंदाजा एकदम ठीक था। 15 मिनट बाद ही रामदेव ढाबा के सामने एक सफेद रंग की लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक हट्टा कट्टा मस्कुलर बॉडी वाला आदमी ग्रे कलर का 3-पीस सूट पहने उतरा और काउंटर पर आकर खड़ा हो गया। उसके साथ एक सुंदर सी यंग महिला भी थी जिसका नाम था काव्या, यानी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की प्रेसिडेंट। उस हट्टे कट्टे आदमी ने युग के ढाबे पर काम करने वाले एक नौकर से पूछा, ओए छोटू इधर आ, ये रामदेव ढाबा के मैनेजर युग यादव कहाँ मिलेंगे? जिसका जवाब देते हुए रामदेव ढाबा पर साफ सफाई का काम करने वाला वो लड़का बोला, सर युग साहब तो अंदर रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, आप वहीं जाकर उनसे मिल सकते हैं। आइए मैं रेस्टोरेंट का रास्ता बता देता हूँ। और फिर वो सफाई कर्मचारी रामदेव ढाबा के नए मेहमानों को अपने मालिक युग यादव के पास ले गया। युग बैठा हुआ चाय पी रहा था और तभी उसके सामने वही हट्टा कट्टा और लंबा सा आदमी आकर खड़ा हुआ और बोला, हेलो मेरा नाम दीपक दलाल है और मैं ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, क्या आप ही युग यादव हैं? दीपक दलाल की आवाज भारी थी और उसमें घमंड का स्वर बहुत पक्का सुनाई दे रहा था। युग ने जैसे ही ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का नाम सुना तो वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और दीपक दलाल की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, जी हाँ मैं ही हूँ रामदेव ढाबा का मैनेजर युग यादव, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर दलाल, प्लीज हैव अ सीट। फिर युग की नजर प्रेसिडेंट काव्या पर गई और उसने काव्या से पूछा, माफ कीजिएगा मैडम मैंने आपको पहचाना नहीं। युग की बात सुनकर काव्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, हेलो मिस्टर युग मेरा नाम काव्या है और मैं ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की प्रेसिडेंट हूँ। युग को याद आया कि उसके मम्मी पापा ने ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की प्रेसिडेंट काव्या के बारे में बताया था। वो काव्या का स्वागत करते हुए बोला, मुझे माफ कीजिएगा काव्या जी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। युग ने काव्या को बैठने के लिए कहा और फिर अपने कर्मचारी से बोला, जाओ साहब और मैडम के लिए ठंडा पानी लेकर आओ। जी सर अभी लाया, युग के कर्मचारी ने जवाब दिया और वो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के वाइस प्रेसिडेंट दीपक दलाल और प्रेसिडेंट काव्या के लिए पानी लाने चला गया। युग ने ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के वाइस प्रेसिडेंट दीपक दलाल को ऊपर से नीचे अच्छी तरह देखा। उसकी आंखें नीले रंग की थी, बाल भूरे और नाक एकदम बड़ी सी थी, मानो किसी ने अलग से उसके चेहरे पर चिपका दी हो। युग को दीपक दलाल देखने में थोड़ा अक्खड़ सा लगा, उसे मानो अपने बस होने का घमंड था, बाकी काम और पैसे का घमंड तो था ही। युग ने जब दीपक दलाल से हाथ मिलाया वो तभी समझ गया था कि इस नए बंदे का एटीट्यूड कुछ अलग ही लेवल पर चढ़ा हुआ है। युग को जब पता चला कि दीपक दलाल हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला था तो वो मन ही मन सोचने लगा, मुझे लगा ही था ये आदमी हो न हो दिल्ली या हरियाणा का ही जान पड़ता है, वहाँ के अमीर लोगों में एक अलग ही अकड़ होती है। युग अपने नए मेहमान दीपक दलाल को बहुत हद तक भांप चुका था, उसने बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा काम की बात पर आना सही समझा और बोला, अच्छा तो अब हम कुछ काम की बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं मिस्टर दलाल? बिल्कुल, अपनी भारी सी आवाज में जवाब देते हुए दीपक दलाल ने अपने बैग से कॉन्ट्रैक्ट की फाइल निकाली और तैश में युग के सामने टेबल पर फेंकते हुए बोला, ये रहा हमारी बिजनेस डील का कॉन्ट्रैक्ट। युग दीपक दलाल का ये रवैया देखकर थोड़ा चौंक गया, मगर अब तक तो वो समझ चुका था कि इस आदमी को कैसे डील करना है। काव्या दीपक दलाल को हालांकि पहले से जानती थी, मगर आज युग के इतने अच्छे बर्ताव के सामने अपने सीनियर का ऐसा उखड़ा हुआ रवैया देखकर उसे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर अफसोस वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। युग ने टेबल पर से कॉन्ट्रैक्ट की फाइल उठाई और उसे खोल कर देखा और बस शुरू की दो लाइनें पढ़ी और फिर यूं ही रैंडम पन्ने पलट कर देखने लगा। उसने मन ही मन अपनी शक्ति का आह्वान किया, हे मेरे शरीर की शक्ति मुझे रोबोट से भी तेज पढ़ने की ताकत दे। और फिर क्या था, देखते ही देखते युग ने पूरी फाइल पढ़ डाली। इस प्रक्रिया में उसे मुश्किल से 10 सेकेंड ही लगे होंगे और उसने कॉन्ट्रैक्ट की फाइल वापस टेबल पर रख दी। युग को कॉन्ट्रैक्ट में हुई गलतियां भी पता चल चुकी थीं, जैसे कि पेज नंबर 3 की 12वीं लाइन में गलती, पेज नंबर 5 की 4थी लाइन में गलत स्पेलिंग, पेज नंबर 7 की 2री ही लाइन में ग्रामेटिकल एरर और पेज नंबर 11 की 13वीं लाइन में पैसों के लेन देन से संबंधित बहुत बड़ी गलती दिखाई थी, जिसके चलते उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने वाली पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। दीपक दलाल को लगा था कि युग यादव महज 15 साल का छोटा सा बच्चा है, उसे कॉन्ट्रैक्ट जैसी भारी भड़कम चीजें थोड़ी समझ आएंगी, मगर दीपक दलाल और काव्या इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि युग के अंदर एक सिस्टम है जिसके कारण युग अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और तेज बन चुका था। युग को इतनी तेज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते देख काव्या चौंक गई थी। उसने युग से पूछा, क्या रामदेव ढाबा के मैनेजर साहब हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट से सहमत हैं? युग ने काव्या को घूरते हुए कहा, आप लोग क्या सच में यहाँ एक बिजनेस डील करने आए हैं और इसे आप प्रोफेशनल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? युग ने कॉन्ट्रैक्ट की फाइल टेबल पर फेंकते हुए कहा। 15 साल के युग यादव की ओर से
ऐसी बातें सुनकर दीपक दलाल और काव्या का क्या रिएक्शन होगा? क्या योग इस बिजनेस डील को एक्सेप्ट करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युग ने जैसे ही बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की फाइल अपने सामने रखी टेबल पर फेंकी, उसके सामने बैठी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की प्रेसिडेंट काव्या और वाइस प्रेसिडेंट दीपक दलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। एक 15 साल के बच्चे का इतना गुस्से वाला रूप उन्होंने पहली बार देखा था। काव्या को युग की बात कुछ समझ नहीं आई तो उसने युग से सीधा सवाल किया, मिस्टर युग मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। काव्या जी, आपकी कंपनी के जनरल मैनेजर तनु ने ही मुझे सामने से इस बिजनेस डील के लिए कॉल किया था, वरना मेरे पास ऐसी डील्स की कमी नहीं है। युग ने गुस्से से काव्या के सवाल का जवाब देते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? काव्या को अब भी युग की बात समझ नहीं आई। आप अभी अनजान बनने का ढोंग कर रही हैं प्रेसिडेंट काव्या जी, क्या आपको नहीं मालूम कि इस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी सारी गलतियां हैं? युग ने टेबल पर पड़ी कॉन्ट्रैक्ट की फाइल की ओर उंगली से इशारा करते हुए काव्या से कहा, कॉन्ट्रैक्ट में गलतियां? ये भला कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। दीपक जी, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती है? काव्या ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था और दीपक ने तो केवल उसे प्रूफ रीड किया था और उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़ी थी। इसके बाद भी काव्या ने दीपक की ओर देखकर कहा। दीपक दलाल ने हड़बड़ाते हुए काव्या से कहा, मैडम आप इस बच्चे की बात पर ध्यान मत दीजिए, ये तो बकवास कर रहा है। मैंने खुद ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से चेक किया था, इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दीपक दलाल ने युग को गुस्से से देखा और फिर टेबल पर पड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को उठाते हुए मन ही मन सोचने लगा, न जाने इस बिद्दी से बच्चे को इस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या गलती नजर आ गई, जरा मैं भी तो देखूं। वाइस प्रेसिडेंट दीपक दलाल ने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को 2 बार अच्छे से पढ़ा मगर उसे अब भी उसमें कोई गलती नजर नहीं आई। उसने काव्या की ओर देखा और बोला, मैडम मैंने दोबारा ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेक किया है, मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये लड़का फालतू की बकवास करके हमें जबरन गुमराह कर रहा है, आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए मैडम। काव्या को अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट दीपक दलाल पर पूरा भरोसा था, वो उसके साथ पिछले कई सालों से काम कर रही थी। उसके मन का तराजू अब भी दीपक की ओर ही झुका हुआ था। काव्या ने हीन नजरों से युग की ओर देखा और बोली, मिस्टर युग आप ये कतई नहीं कह सकते कि हमारे इस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती है, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, आपका ये रवैया एकदम अनप्रोफेशनल है, ऐसे तो कोई बिजनेस डील नहीं होती। काव्या जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी गलत सलत बोलेंगी वो मैं सही मान लूंगा, जो सही है वो सही है और जो गलत है उसे मैं किसी भी कीमत पर सही करार नहीं दे सकता ना। युग ने टेबल पर से कॉन्ट्रैक्ट वापस उठाया और अपनी शर्ट की जेब से एक पेन निकालते हुए कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद सारी गलतियों पर गोला लगाकर काव्या को थमा दिया। काव्या ने युग से वो कॉन्ट्रैक्ट लिया और खुद उसे पढ़ने लगी। उसने वो सारी जगहों को एक एक करके ठीक से चेक किया जहाँ युग ने गोला लगा रखा था। काव्या जितनी भी बार युग के द्वारा मार्क की गई गलतियों को देखती वो उतनी ही ज्यादा सहम जाती। काव्या को अब अपने ही बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की गलतियां साफ नजर आने लगी थी। उसने वाइस प्रेसिडेंट दीपक दलाल की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, ओहो क्या बात है, पहले गलतियां की और फिर उन्हें इतनी बारीकी से छिपाते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट प्रूफ रीड किया है कि किसी आम आदमी को तो समझ ही ना आए। दीपक काव्या का ये गुस्सैल रूप देखकर बहुत डर गया था। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट में जो गलतियां युग ने ढूंढ निकाली थी वो दीपक दलाल ने जानबूझकर की थी ताकि बिजनेस डील में सामने वाली कंपनी को अनजाने में नुकसान हो जाए और ब्यूटी कॉस्मेटिक्स को इस बात का फायदा मिल सके। ऐसा घोटाला करके ही दीपक दलाल वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंचा था और उसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं सका था। मगर आज एक छोटे से बच्चे ने वो बारीक गलतियां चुटकियों में ढूंढ निकाली जो काव्या जैसी प्रोफेशनल बिजनेस वुमन आज तक नहीं समझ पाई थी। दीपक दलाल इस समय पसीने से डर और डरा हुआ बैठा था। पूरी कंपनी में करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग काम करते थे और दीपक दलाल अगर किसी से डरता था तो वो थी ब्यूटी कॉस्मेटिक की सुंदर प्रेसिडेंट और दीपक की बॉस काव्या खैर। काव्या की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर दीपक ने अपनी गलती मान ली और बोला, हाँ मुझे पता था कि इस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में गलतियां हैं और मैंने ये जानबूझकर डाली थी, लेकिन ये रामदेव ढाबा तो मामूली सी एक दुकान भर है, ये तो इन लोगों का सौभाग्य है कि हम इनके साथ काम करने को तैयार हो गए, है ना प्रेसिडेंट मैडम? आप मेरी बात माने तो इस मामूली से बिजनेस में अपना ढेर सारा पैसा और समय बर्बाद न करें। काव्या ने गुस्से में आकर जोर से अपने दोनों हाथों को टेबल पर दे मारा और खड़ी हो गई, जिसे देखकर दीपक और भी ज्यादा घबरा गया और बोला, मैडम प्रेसिडेंट मैडम मेरी बात सुनिए। दीपक इससे पहले आगे कुछ और कह पाता कि तभी पूरे कमरे में एक जोर की आवाज गूंजी, चटा। काव्या ने सबके सामने दीपक दलाल को एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और बोली, दीपक तुमने मुझे आज सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, तुम्हारे कारण आज मेरी नाक कट गई, आज के बाद कभी भी किसी भी बिजनेस को छोटा या बचकाना समझा तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? काव्या इस वक्त बहुत गुस्से में थी। रामदेव ढाबा में मौजूद सभी लोग काव्या और दीपक को ही देख रहे थे। काव्या ने दीपक को इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज नीचे वाले फ्लोर पर भी सुनाई दी और पुष्करनाथ कुसुम के साथ भागते हुए ऊपर आ गए। युग काव्या और दीपक के साथ जिस टेबल पर बैठा हुआ था
वहाँ चारों ओर भीड़ जमा हो गई। काव्या अभी दीपक पर चिल्लाए जा रही थी, रामदेव ढाबा भले ही अभी नया बिजनेस है, लेकिन मैं अपने 20 साल के अनुभव से ये बता सकती हूँ कि आने वाले समय में ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आज भले ही युविका रामदेव ढाबा मार्केट में इतना बड़ा नाम नहीं है, मगर देखना एक दिन ये फूड इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा होगा। काव्या ने अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट दीपक दलाल की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं ये स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकती हूँ कि रामदेव ढाबा हमारे बाकी सभी क्लाइंट्स की लिस्ट में टॉप 10 में आने वाला ब्रांड है, समझे? दीपक दलाल ने जैसे ही सुना कि काव्या की नजरों में रामदेव ढाबा की इतनी वैल्यू है कि उसने इस छोटे से ढाबे को अपने टॉप 10 क्लाइंट्स की लिस्ट में शामिल किया है, तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ और उसने मन ही मन सोचा, क्या कहा, काव्या मैडम ने इस मामूली से रामदेव ढाबा का नाम ब्यूटी कॉस्मेटिक्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट्स की लिस्ट में शामिल किया है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जोर से चिल्लाने के कारण काव्या का गला सूख गया था। उसने हड़बड़ाते हुए सामने रखा पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा पानी पी डाला और फिर एक गहरी सांस लेते हुए दीपक दलाल से धीमी आवाज में बोली, आज से मेरी कंपनी में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, जाओ दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दोबारा मुझे ये मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना। काव्या ने भले ही ये बात आराम से धीमी आवाज में बोली थी, मगर दीपक को जोर का झटका लगा। प्रेसिडेंट मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए मैडम, प्लीज। दीपक काव्या के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। तभी दीपक दलाल से भी हट्टे कट्टे दो लोग वहां आए और उसे उठाकर काव्या से दूर करने लगे। वो दो पहलवान जैसे लोग असल में ब्यूटी कॉस्मेटिक की प्रेसिडेंट काव्या खैर के बॉडीगार्ड थे। उनका केवल एक काम था, काव्या खैर की सुरक्षा, फिर चाहे उनकी मैडम को तंग करने वाला आदमी कंपनी के बाहर का हो या अंदर का। वो बॉडीगार्ड अपना काम बड़ी ही वफादारी से करते थे। काव्या ने अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, इस फ्रॉड आदमी को मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ और उठाकर रोड पर फेंक दो। काव्या के इतना कहते ही बॉडीगार्ड ने दीपक दलाल के हर एक चीख को नजरअंदाज करते हुए उसे उठाया और रामदेव ढाबा के बाहर कर दिया। दीपक दलाल की चीखें धीरे धीरे काव्या से दूर होती जा रही थीं और कुछ ही समय में आवाज आना बंद हो गई। काव्या वापस से युग के सामने वाले काउच पर आकर बैठ गई और उसने एक घूंट पानी पीते हुए युग से कहा, मुझे माफ कर दीजिए युग जी, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। काव्या की आवाज में सच्चाई थी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतने सालों से अपनी कंपनी में आस्तीन का सांप पाल रही थी, अच्छा हुआ कि आज ऐसे फ्रॉड की सच्चाई सामने आ गई। मेरी आंखें खोलने के लिए शुक्रिया युग जी। युग ने काव्या की बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, उसने बस अपने सामने रखे ग्लास को उठाया और पानी पीने लगा। काव्या को जब युग की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने बोलना जारी रखा, मिस्टर युग आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम अपनी गलती को सुधारेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट करेंगे जिसमें एक नहीं बल्कि 4 डील्स के कॉन्ट्रैक्ट शामिल होंगे। हम आपके साथ ये बिजनेस डील करने का मौका अपने हाथों से खोना नहीं चाहते। युग अब भी कुछ नहीं बोला, उसने अपनी पैनी नजरें काव्या खैर के चेहरे पर गड़ाई और उसके एक्सप्रेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। काव्या बहुत ही मजबूत दिल और तेज दिमाग वाली महिला थी, लेकिन आज वो पहली बार किसी के सामने नर्वस महसूस कर रही थी और वो भी महज 15 साल के युवा के सामने। युग लगातार काव्या को एकटक घूरे जा रहा था और काव्या के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसका दिल किसी हाई बेस वाले स्पीकर की तरह धक 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 कर रहा था। युग ने अपनी शक्ति को एक्टिवेट करते हुए मन ही मन सोचा, हे मेरे शरीर की शक्ति, मुझे इंसान की असली पहचान पता लगाने वाली तकनीक प्रदान कर। और अगले कुछ ही सेकंड में युग को काव्या का सच मालूम पड़ गया। क्या काव्या भी इस घोटाले में शामिल होगी? क्या वाकई युग काव्या की सच्चाई पहचानने में सफल हो पाएगा? काव्या खैर रामदेव ढाबा के साथ बिजनेस डील कर पाएगी या नहीं, जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युग ने अपने अंदर के सिस्टम की शक्ति को इस्तेमाल करके काव्या का सच पहचान लिया और मन ही मन सोचने लगा, काव्या जी तो एकदम ईमानदार है, उन्हें इस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वाले घोटाले की बिल्कुल भनक तक नहीं थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सब उस दीपक दलाल का ही किया धरा है। दीपक दलाल को उसके किए की उपयुक्त सजा मिल चुकी थी, इसलिए युग का सारा गुस्सा अब शांत हो गया और वो काव्या की घबराई हुई चेहरे की ओर देखते हुए बड़े ही आराम से बोला, अभी यहाँ कुछ हुआ क्या? मैं तो सब भूल ही गया काव्या मैडम। युग की बात सुनकर काव्या खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई, उसके अंदर का सारा गुस्सा भी शांत हो गया और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। उसके बाद युग ने अपनी मेहमान काव्या खैर और खुद के लिए 2 कप सुप्रीम मिल्क टी ऑर्डर की और फिर चाय पीते हुए उन दोनों ने बिजनेस डील के बारे में बात करना शुरू कर दिया। काव्या ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट युग के सामने प्रेजेंट किया, जिसे पढ़कर युग ने ये बिजनेस डील कंफर्म कर दी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ युग की लाइफ की ये पहली डील थी, उसे मन ही मन एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। युग के साथ डील फाइनल करने के बाद काव्या रामदेव ढाबा से अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर खुशी खुशी रवाना हो गई। उसके बाद दोपहर को युग ने
राजगंज जाने का फैसला किया। उसे अब तक के बिजनेस में एक बात का एहसास हो गया था कि इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए उसके पास अभी केवल दो ही लोग थे, उसके मम्मी और पापा। वो दोनों सारा सारा दिन खाना बनाने में लगे रहते थे और इतना काम अकेले करने से उन्हें बहुत थकान हो जाती थी और युग को ये मंजूर नहीं था। युग ने अपने मम्मी पापा की ओर देखा और सोचने लगा, रामदेव ढाबा पर अब ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक दिन में हम लगभग 10,000 रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस कर रहे हैं, जो समय के साथ और भी बढ़ेगा। ऐसे में मैं अपने मम्मी पापा को काम नहीं करने दे सकता। मैंने आगरा आने से पहले ही खुद से ये वादा किया था कि मैं अपने मम्मी पापा को एक आरामदायक और बेहतरीन जिंदगी दूंगा। इसलिए युग ने तय किया कि ताजगंज में स्थित एक ऐसी स्ट्रीट जिसका नाम है रिक्रूटर्स स्ट्रीट जाया जाए। इस रिक्रूटर्स स्ट्रीट पर सैकड़ों कंपनियां स्टॉल्स लगाती हैं। हजारों की तादाद में लोग इन स्टॉल्स पर एक हाथ में अपना रिज्यूम और पोर्टफोलियो और दूसरे में नौकरी पाने की उम्मीद लिए नौकरी पाने की तलाश में आते हैं। युग उसी दिन अपने कुछ छोटे मोटे काम निपटाने के बाद बस स्टैंड पहुंचा और ताजगंज के लिए बस पकड़ ली। ताजगंज शहर के मुख्य हिस्से में बसा एक व्यस्त ऐतिहासिक इलाका है। यहाँ ताजमहल परिसर है, जहाँ मुगल शैली के बगीचे और संगमरमर से बने ऐतिहासिक मकबरे के आसपास बड़े बड़े दरवाजे हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध ताजमहल भी ताजगंज में ही स्थित है। ताजगंज में जो सबसे बड़ी रिक्रूटर्स स्ट्रीट है वो यहाँ के पूर्वी इलाके में स्थित है। युग जब वो रिक्रूटर्स स्ट्रीट पर पहुंचा तो उसने देखा कि चारों ओर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। कुछ खाने के स्टॉल्स हैं जहाँ लिट्टी चोखा, पानी पूरी, समोसे इत्यादि मिल रहे हैं और इन पर जमा ग्राहकों की भीड़ में कई युवा शामिल हैं, जो अपने कंधे पर बस्ता टांगे हुए हैं और हाथ में अपने रिज्यूम और पोर्टफोलियो लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ये ताजगंज का एक ऐसा इलाका था जहाँ नौकरी देने वाले लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं बल्कि छोटे छोटे स्टॉल्स लगाकर किसी स्पेशल ऑफर की सिम की तरह अच्छे रिज्यूम के बदले नौकरियां भेज रहे थे। युग ने जब ये दृश्य देखा तो उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, ये तो किसी सब्जी मंडी जैसा सीन है। यहाँ लोग नौकरी ऐसी बेच रहे हैं जैसे आलू, गोभी, भंटा, टमाटर बेच रहे हों। फिर युग ने अपने मन में सब्जी वालों की मिमिक्री करते हुए सोचा, ए नौकरी ले लो नौकरी, सस्ते सस्ते रिज्यूम पर महंगा महंगा पैकेज नौकरी, बीटेक वालों के लिए विशेष छूट, आइए आइए और निश्चित ही नौकरी पाइए। अब नहीं रहेगा कोई भी ख्वाब अधूरा जब आपके लिए हाजिर है प्राइम रिक्रूटर्स पूरा का पूरा। युग इसी तरह के माहौल को कुछ देर खड़े होकर ऑब्जर्व करता रहा। तभी एक बंदा कहीं से हड़बड़ाते हुए आया और युग को धक्का मारते हुए आगे निकल गया। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, एप्लीकेशन कुछ ही देर में बंद हो जाएंगे, फिर मेरी नौकरी का सपना अधूरा रह जाएगा। और इतना कहते हुए आगे बढ़ गया। हर तरफ उम्मीद भरे चेहरे ही नजर आ रहे थे। कुछ चेहरे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के थे, तो कुछ दूसरे शहरों और प्रदेशों से काम की तलाश में आए प्रवासियों के, कुछ तो घबराए हुए नर्वस हाई स्कूल के बच्चे थे जो अभी इतनी कम उम्र में ही अपने लिए नौकरी ढूंढने निकल आए थे। इस वक्त रिक्रूटर्स स्ट्रीट का माहौल काफी संजीदा था। दरअसल एक खबर के अनुसार कुछ दिन पहले ही एक युवक ने नौकरी न मिलने के कारण हताश होकर यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस केस ने पूरे आगरा को हिलाकर रख दिया था। युग ये सब देखकर सोचने लगा, लगता है आगरा में इन दिनों नौकरियों की सचमुच मंदी चल रही है, नौकरी बहुत कम है और नौकरी की तलाश करने वाले लाखों। और किसी तरह भीड़ में से निकलकर युग रिक्रूटर्स स्ट्रीट के ऑफिस में पहुंच गया और उसने वहां कुछ रुपए देकर रामदेव ढाबा के नाम से एक स्टॉल खरीद लिया। रिक्रूटर्स स्ट्रीट पर जॉब फेयर सुबह से लग जाता है और युग ने यहां आने में बहुत देर कर दी थी, जिसके कारण युग ने रामदेव ढाबा के नाम से जो बड़े बड़े बैनर्स बनवाए थे वो दूर किसी कोने में लगा दिए गए थे, जिन पर शायद ही किसी का ध्यान पहुंच सकता था। युग स्टॉल पर आधे घंटे तक इंतजार करता रहा और उसके स्टॉल पर एक भी बंदा नहीं आया। सुनिए, क्या आप अपने रेस्टोरेंट के लिए अटेंडेंट्स ढूंढ रहे हैं? युग स्टॉल पर अकेला बैठा बैठा अपने मोबाइल में गेम खेलकर टाइम पास कर रहा था कि तभी स्टॉल के सामने से एक लड़की की आवाज आई। पूरी तरह बोर हो चुके युग ने मुंडी उठाकर ऊपर देखा तो उसके सामने एक 17-18 साल की लड़की खड़ी हुई थी। युग के पहनावे और उसकी दुबली पतली कदकाठी को देखते हुए उस लड़की के चेहरे पर मायूसी और उसकी आंखों में नाउमीदगी छा गई। वो मन ही मन सोच रही थी, ये इतना छोटा सा बच्चा इस जॉब फेयर में स्टॉल लगाकर क्यों बैठा हुआ है? क्या इसके माँ बाप इसे यहाँ बैठाकर कहीं चले गए हैं? पर फिर भी उसने अपनी किस्मत आजमाई। उसने चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान सजाई और अपना रिज्यूम युग के सामने लाकर रख दिया और बोली, हेलो, मुझे रामदेव ढाबा पर वेटर की नौकरी के लिए अप्लाई करना है। युग ने उस लड़की का रिज्यूम उठाया और उसे पढ़कर देखा तो उसे हंसी आ गई, मगर उसने अपने चेहरे पर यह भाव जरा भी झलकने नहीं दिया और मन ही मन बोला, ये भला कैसा रिज्यूम है, इतना सिंपल सा टेक्स्ट, ना कोई अलाइनमेंट
और न ही कुछ खास पास्ट एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है, ये तो बड़ा ही लापरवाह रिज्यूम है। युग ने उस लड़की के रिज्यूम में एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला कॉलम देखा और अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके एक सेकेंड में ही पूरा रिज्यूम स्कैन कर लिया। उसके बाद युग ने वो रिज्यूम उस लड़की को वापस थमाते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे बिजनेस के जरूरत के हिसाब से बहुत कम है। वो लड़की युग की बात का तपाक से जवाब देते हुए बोली, मैं आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकती हूँ? देखिए, मेरे पास कॉलेज की डिग्री भी है। युग को उस लड़की की बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो उस लड़की को ज्यादा कोई समझाइश देने का नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी वो उससे बोला, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे बिजनेस के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर आप एजुकेशन वाले कॉलम में अपने स्कूल के बारे में भी लिख देंगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जैसा आपने बताया कि आप ग्रेजुएट हैं, मगर असल में आप अभी भी कॉलेज में पढ़ रही हैं। आपने अपने मार्क्स भी गलत लिख रखे हैं। युग के सामने खड़ी जॉब एप्लीकेंट के चेहरे पर एक अलग ही टेंशन दिखाई देने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके रिज्यूम में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सही है या गलत। ये बात युग को कैसे पता चली? बजाय युग से माफी मांगने के वो लड़की गुस्से में आ गई और उसने युग के हाथ से अपना रिज्यूम छीना और बोली, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट के वेटर के पास कम से कम एक डिग्री तो होनी ही चाहिए, इडियट। और मुंह फुलाकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि एक सुंदर लड़की उससे टकरा गई। उस लड़की की उम्र लगभग 24 साल होगी। ऊंचे कद वाली इस लड़की ने डार्क नीले रंग का जींस पहना हुआ था और उसके साथ एक फॉर्मल सा स्ट्रिप्ट पैटर्न वाला सफेद टॉप। युग ने जैसे ही उस दूसरी लड़की को देखा तो उसके मन में एक अलग सा सेंसेशन हुआ। उसने इतनी खूबसूरत लड़की बहुत दिनों बाद देखी थी और वो मन ही मन सोचने लगा, कितनी खूबसूरत लड़की है ये और इसका एटीट्यूड कितना सही है। तभी वो लड़की आगे बढ़कर युग के सामने खड़ी हुई और बोली, हेलो, मैं आपके रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। जैसे ही उस लड़की ने बोलना शुरू किया, मानो आसपास जैसे बाहर ही छा गई हो। उसकी सुरीली आवाज सुनकर युग के शरीर का रंग खिल उठा। मैडम, मेरी बात माने तो आप यहाँ पर अप्लाई मत कीजिए, वैसे इन्हें कॉलेज की डिग्री या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। युग ने जिस लड़की को हाल ही में रिजेक्ट किया था उसने अपनी खुन्नस निकालते हुए उस दूसरी लड़की को युग के रामदेव ढाबा पर नौकरी के लिए अप्लाई करने से रोकते हुए कहा। उस गुस्साई लड़की की बात सुनकर उसे नजरअंदाज करते हुए सफेद टॉप वाली लड़की ने कहा, मुझे मालूम है। और फिर युग की ओर मुड़कर अपने बैग से रिज्यूम निकाला और उसे युग को देते हुए बोली, ये लीजिए, मेरा रिज्यूम चेक कर लीजिए। मुझे पता है मेरा रिज्यूम बहुत ही आम सा है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं आपके रेस्टोरेंट का हिस्सा बनना चाहती हूँ। क्या युग को सफेद टॉप वाली लड़की का रिज्यूम पसंद आएगा? युग के रिएक्शन को देखकर रिजेक्टेड लड़की अब क्या करेगी? क्या युग को अपने ढाबे के लिए कर्मचारी मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युग ने सफेद टॉप वाली लड़की का आम रिज्यूम लिया और उसे बारीकी से स्कैन करते हुए मन ही मन उसके डिटेल्स पढ़ने लगा। नाम इशिका मिश्रा, उम्र 24 साल, ग्रेजुएशन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स BHU, पूर्व अध्यक्ष स्टूडेंट यूनियन, अवार्ड्स नेशनल स्कॉलरशिप, नेशनल इंस्पिरेशनल स्कॉलरशिप, कानपुर यूनिवर्सिटी, गोल्ड मेडलिस्ट इत्यादि। इतने टेंस रिज्यूम देखने के बाद युग का तो दिमाग ही चकरा गया और वो सोच में पड़ गया, अगर ये आम रिज्यूम है तो फिर बाकी स्टॉल्स पर खड़े सभी लोगों को तो फौरन यमुना नदी में छलांग लगा देनी चाहिए। कानपुर यूनिवर्सिटी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में जानी मानी यूनिवर्सिटी है। देश की टॉप 3 यूनिवर्सिटी में इसका नाम लगभग हर साल ही शामिल रहता है। ऐसी फेमस यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से पढ़े हुए व्यक्ति को तो कोई भी बड़ी कंपनी मैनेजमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी दे देगा, मगर ये लड़की कानपुर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होने के बाद भी रामदेव ढाबा पर नौकरी क्यों करना चाह रही है भला? युग ने इशिका मिश्रा का रिज्यूम देखते हुए सोचा, इस लड़की का रिज्यूम कुछ ज्यादा ही अच्छा है, ये तो ओवर क्वालिफाइड लड़की है, मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रही है, भगवान न करे ये पहले वाली एप्लीकेंट जैसी धोखेबाज निकले। युग ने रिज्यूम में से अपनी नजरें हटाते हुए इशिका मिश्रा की ओर देखा और फिर कुछ देर एक टक देखता ही रह गया। वो दरअसल उसे अपनी सुपर पावर से स्कैन कर रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने इशिका से सीधा सवाल किया, इशिका मिश्रा, अच्छा ये बताइए कि आपने कानपुर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है, तो आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती? आपने रामदेव ढाबा को ही क्यों चुना? युग ने जैसे ही कानपुर यूनिवर्सिटी बोला उसे कहीं आसपास से एक चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। क्या कहा, कानपुर यूनिवर्सिटी? ये आवाज दरअसल उस फ्रॉड लड़की की थी जिसे युग ने कुछ देर पहले ही जॉब एप्लीकेशन से रिजेक्ट कर दिया था। वो अब भी वहां से गई नहीं थी बल्कि रामदेव ढाबा के स्टॉल के पास खड़ी युग और इशिका मिश्रा की बातें सुन रही थी। क्या आप पागल वागल हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना मैडम, उस सिरफिरी लड़की ने इशिका की ओर देखकर कहा। उस लड़की के अनुसार कानपुर यूनिवर्सिटी जैसी टॉप लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद कोई बेवकूफ ही एक रेस्टोरेंट में वेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा?
इशिका मिश्रा ने एक नजर उस बौखलाई हुई लड़की की ओर देखा, फिर युग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो अपने बॉस की बातों को फॉलो कर सके। मैंने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट पर रिसर्च की हुई है और मेरी रिसर्च के दौरान मैंने रामदेव ढाबा का नाम सुना। मैंने सुना है कि आपका ढाबा पहले ताजगंज में महज एक छोटी सी दुकान हुआ करता था, फिर आपने उसे बढ़ाते हुए सिकंदरा में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला और एक महीने से भी कम समय में न केवल सिकंदरा और ताजगंज में बल्कि पूरे आगरा में आपके चर्चे होने लगे। इशिका की बात सुनकर युग को अपनी पूरी जर्नी याद आ रही थी। अभी हाल यह है कि रामदेव ढाबा अपने दो सबसे फेमस पकवानों के लिए जाना जाता है, एक तो आपके सुपर स्पेशल समोसे और दूसरा है अभी हाल ही में लॉन्च हुई सुप्रीम टी, जिसे महिला ग्राहक ज्यादा पसंद कर रही है। मेरा मानना है कि कुछ ही समय में रामदेव ढाबा फूड इंडस्ट्री में आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगा। आपने मार्केट के हिसाब से बहुत सही समय पर सिकंदरा में आउटलेट खोला है। अपनी बात रखते हुए इशिका मिश्रा खुद में बहुत गर्व महसूस कर रही थी कि वो रामदेव ढाबा जैसे अद्भुत रेस्टोरेंट के मैनेजर के बारे में इतना कुछ जानती है। अब अगर मैं रामदेव ढाबा का हिस्सा बनकर आपसे सीधे मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करना सीख सकती हूँ तो इसमें हर्ज क्या है? अब चाहे वो एक वेटर के रूप में काम करना ही क्यों ना हो। युग इशिका मिश्रा की बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी कि क्या गजब लड़की है ये, सो पावरफुल सो बोल्ड। युग का मानना था कि इशिका मिश्रा जैसी पावरफुल और बोल्ड लड़की को रामदेव ढाबा की मैनेजमेंट टीम में रखना उसके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। युग ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ इशिका मिश्रा की ओर हाथ बढ़ाया और बोला, बधाई हो, आपका रामदेव ढाबा की मैनेजमेंट टीम में बहुत बहुत स्वागत है। इशिका मिश्रा युग का फैसला सुनकर बहुत खुश हुई। वहीं वो दूसरी लड़की मुंह बनाकर वहीं साइड में खड़ी रही। आपके रिज्यूम और क्वालिफिकेशंस को देखते हुए हम आपको 30,000 रुपए प्रति महीने दे सकते हैं, बाकी आगे की बातों के लिए आपको हमारी टीम से जल्द ही कॉल आ जाएगा, युग ने इशिका को ऑफर बताते हुए कहा। इशिका ने रामदेव ढाबा के बारे में सुना था कि रामदेव ढाबा का जो मैनेजर है ना, वही उस जगह का मेन शेफ है। और तो और, युग यादव जिसके सामने वो इस वक्त खड़ी हुई थी, उसके पास कुछ अविश्वसनीय स्किल्स हैं, जिससे वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है कि लोग तो बस उंगलियां चाटते नहीं थकते। तो इस तरह ताजगंज के जॉब फेयर से युग को अपने ढाबे के लिए एक ओवर क्वालिफाइड वेटर मिल गई और वो भी सिर्फ 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर। पास खड़ी हुई सिरफिरी लड़की ने जब युग का ऑफर सुना तो उसे भरोसा ही नहीं हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी, यार 30,000 रुपए महीना, और वो भी एक वेटर की पोस्ट के लिए। आम तौर पर तो किसी वेटर को मैंने 10,000 से ज्यादा कमाते नहीं देखा, और इस पिद्दी से लड़के ने तो इस लड़की को सीधा 3 गुना ऑफर कर दिया। उसे रामदेव ढाबा का नाम याद आया तो उसने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला और सोशल मीडिया पर युग के ढाबे का नाम सर्च किया तो देखा उसका एक ऑफिशियल पेज भी है और उस पर काफी सारे फॉलोअर्स भी हैं। उसे इस वक्त अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने फिर न्यूज में पढ़ा कि सिकंदरा में खुले एक नए रेस्टोरेंट जिसका नाम रामदेव ढाबा है, उस पर आम जनता खाना नहीं खा सकती। असल में उसका खाना इतना महंगा है कि वहां जाकर अति स्वादिष्ट पकवान खा पाना सबके नसीब में नहीं। अब जाकर उस लड़की को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश मैंने युग यादव से झूठ न बोला होता। वेटर की इस नौकरी के लिए पहली दावेदार मैं थी, लेकिन अपनी एक गलती के कारण मेरा पत्ता कट गया। और कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसी दिन युग ने ताजगंज के जॉब फेयर से 3 और व्यक्तियों को अपने यहाँ नौकरी पर रखा। अश्मी पांडे एक अनुभवी वेटरेस, कुणाल मेहता पुष्कर नाथ का असिस्टेंट शेफ, और मुरारी एक 40 वर्षीय आदमी अपने ढाबे की सिक्योरिटी के लिए। इन सभी लोगों को युग ने अपनी माइंड रीडर वाली सुपर पावर से स्कैन करके इनका पूरा पर्सनैलिटी चेक करके काम पर रखा था, न कि सिर्फ उनका बैकग्राउंड देखकर। उसी दिन शाम को युग उन चारों नए कर्मचारियों को ताजगंज से सिकंदरा ले गया और रामदेव ढाबा पहुंचकर उसने अपने मम्मी पापा से उन चारों को रूबरू करवाया। युग ने अश्मी पांडे, कुणाल मेहरा और मुरारी के बारे में तो हर छोटी से छोटी बात अपने मम्मी पापा को बताई, लेकिन इशिका के बारे में बहुत सी बातें छिपाए रखी। उसने इशिका का बैकग्राउंड और सैलरी दोनों ही अपने मम्मी पापा तक को नहीं बताई। ये पहली बार था जब युग ने अपने बिजनेस से जुड़ी कोई भी बात पुष्करनाथ और कुसुम से छिपाई थी। अगर मैंने इशिका की सच्चाई मम्मी पापा को बता दी तो वो जबरन घबरा जाएंगे, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, युग ने इशिका का परिचय देते हुए मन ही मन सोचा। युग ने अपने तीनों नए कर्मचारियों के लिए रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर पर रहने और खाने का इंतजाम किया। रामदेव ढाबा के चारों नए कर्मचारियों में से किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि उनका बॉस युग उन्हें रहने के लिए इतना आलिशान घर भी देगा। अपने लिए इतना बेहतरीन इंतजाम देखकर कुणाल मेहरा मन ही मन सोच रहा था, एक असिस्टेंट शेफ के लिए इतनी अच्छी नौकरी के साथ साथ रहने का इतना बेहतरीन इंतजाम, वाह। अश्मी पांडे तो युग को एक टक देखे जा रही थी और बस सोच रही थी कि अश्मी बेटा, तू कहीं सपना तो नहीं देख रही, ऐसा बॉस भी दुनिया में होता है, ये तो पहली बार देखा, इतना समझदार और केयरिंग। उसने अपने आप को चुटकी काटी ताकि सपने से बाहर आ सके, मगर अफसोस वो सपना नहीं था। अश्मी के साथ जो भी हो रहा था
वो असल में हो रहा था। वहीं मुरारी को तो अपने जीवन में कभी भी ऐसे मौके की उम्मीद नहीं थी। युग ने अपने यहाँ उसको नौकरी पर रखकर उसकी लाइफ बना दी थी। वो मन ही मन युग के गुणगान गाते नहीं रुक रहा था। युग बाबू कितने अच्छे और साफ दिल के इंसान है, देखो तो जरा। उन्होंने बिन किसी के बिन मांगे ही सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा दी। कितने भले मानुष हैं युग साहब और उनके मम्मी पापा, भगवान करे ऐसे साहब सभी को मिले। मुरारी युग के प्रति बहुत ईमानदार था। युग ने ये बात उसे जॉब फेयर में देखते ही पहचान ली थी। इन तीनों के अलावा चौथी और सबसे अलग कर्मचारी थी इशिका मिश्रा, जिसे युग एक वेट्रेस के तौर पर काम करने के लिए लाया था, और वो भी बिना किसी पिछले एक्सपीरियंस होने के बावजूद। इशिका खड़ी खड़ी बस युग को घूरे जा रही थी और उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, युग यादव ये लड़का कोई मामूली बच्चा नहीं है, जरूर कुछ तो बहुत खास है इसमें जो इसे बाकी सारी दुनिया से अलग बनाता है। युग ने अपने चारों नए कर्मचारियों से जुड़ी सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करके उन्हें रामदेव ढाबा में सेटल कर दिया था, और तब तक सूरज ढल चुका था। सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अपने नए रूम में आलिशान बेड पर लेटी हुई इशिका पूरे समय युग यादव के बारे में ही सोच रही थी, और वहीं युग भी अपने रूम में लेटा हुआ सोच रहा था, क्या मैंने सही लोगों को हायर किया है? अपने मम्मी पापा से इशिका की सच्चाई छिपाना क्या सही है? यही सब सोचते सोचते युग की आंख लग गई, लेकिन इशिका अब भी जाग रही थी। युग ने इशिका को बाकी कर्मचारियों के मुकाबले स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया? क्यों छिपाई युग ने अपने मम्मी पापा से इशिका मिश्रा की सच्चाई? आखिर ऐसा भी क्या खास है इशिका में? जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रामदेव ढाबा को आखिर नए कर्मचारी मिल ही गए। युग ने बड़ी ही समझदारी के साथ चार जरूरत के लोगों को काम पर रखा, दो वेट्रेस जिससे उसके सारे कस्टमर्स को फास्ट सर्विस मिल सके, एक प्रोफेशनल शेफ जो युग के मम्मी पापा का खाना बनाने में हाथ बटा सके, और एक हट्टा कट्टा सा सिक्योरिटी गार्ड जो रामदेव ढाबा की सुरक्षा कर सके। आज युग के नए कर्मचारियों का रामदेव ढाबा में दूसरा दिन था और काम पर पहला। युग ने सुबह सुबह सभी को एक सिंपल ट्रेनिंग दी और फिर सभी अपने अपने काम पर लग गए। कुणाल आगरा में कुछ ही समय पहले आया था। वो आगरा के पास एक गांव के जमींदार का बेटा था और उसका बचपन गांव में ही बीता था। कुणाल की कुकिंग स्किल्स और उसका साधारण सा व्यवहार देखकर युग के पापा पुष्करनाथ बहुत प्रभावित हुए। कितना ईमानदार और सुलझा हुआ लड़का है कुणाल। पुष्करनाथ कुणाल को देखकर मन ही मन सोच रहे थे, और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर ये कहा जा सकता था कि वो कुणाल से बहुत खुश और संतुष्ट थे। तभी रामदेव ढाबा में बहुत सारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और सभी काउंटर पर इकट्ठे हो जाते हैं। युग अंदर से काउंटर की तरफ जाता है और भीड़ को संभालने की कोशिश करता है। मुरारी इस वक्त वॉशरूम गया होता है। वो जैसे ही बाहर बहुत से लोगों की आवाज सुनता है, बाहर आकर फौरन वो भीड़ को संभालने लगता है और युग से कहता है, युग साहब आप दूर हट जाइए, इन्हें मैं संभाल लूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। युग एक कोने में खड़े होकर मुरारी को और भीड़ को देखता है। भीड़ बेकाबू हो जाती है और हर एक आदमी को अपना ऑर्डर सबसे पहले चाहिए होता है। अरे भाई मैंने पहले ऑर्डर किया था, मुझे मेरा सुपर स्पेशल समोसा अब तक नहीं मिला, मुझे एक प्लेट स्पेशल नूडल्स और एक कप सुप्रीम मिल्क टी चाहिए, लीजिए पैसे। एक छोटे कद का आदमी भीड़ में फंसा हुआ था और बाहर से देखने पर उसका केवल हाथ ही नजर आ रहा था, जिसमें उसने 2000 का नोट पकड़ा हुआ था। ए पिछट, पहले मैं अपना ऑर्डर लूंगा, ऐसे कैसे बोल रहा है बेतू, जरा जुबान संभाल कर बात कर वरना दूंगा ये खींच के तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। देखते ही देखते दो युवाओं में लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे की कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगते हैं। युग ये सब देखकर हैरान हो जाता है और मुरारी से कहता है, मुरारी जी देखिए यहाँ मुझे किसी प्रकार का हंगामा नहीं चाहिए, इस भीड़ को फटाफट यहाँ से हटाएं। जी युग साहब मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी इनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। मुरारी इतना कहते हुए अपना डंडा उठाकर हवा में लहराता है और आधे से ज्यादा लोग तो यूं ही पीछे हट जाते हैं। फिर बचते हैं कुछ चुनिंदा हठी लोग जो अभी वानर अंगद की तरह अपने कदम रामदेव ढाबा के काउंटर के सामने जमा कर खड़े होते हैं। मुरारी सीटी बजाकर उन्हें डंडे की मदद से पीछे धकेलता है और कहता है, चलिए चलिए पीछे हट जाइए, सभी को खाना मिलेगा, किसी का ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आप सभी को थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। देखते ही देखते पूरी भीड़ छंट जाती है। युग ये देखकर बड़ा खुश होता है और मुरारी की ओर नजर घुमाते हुए सोचता है, मुरारी जी ने देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगाई है, एक आर्मी सिपाही जितना डिसिप्लिन और काम के प्रति डेडिकेटेड व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता, और वैसे भी भारत के सिपाही दुनिया भर में अपनी वीरता और देश प्रेम के लिए जाने जाते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है जो मुरारी जी जैसे देश प्रेमी और वीर सिपाही हमारे रामदेव ढाबा की रक्षा में तैनात होंगे। युग का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और वो रामदेव ढाबा की सुरक्षा को लेकर एकदम निश्चिंत हो गया। मुरारी एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसकी आंखों में देखकर ही बताया जा सकता था कि वो कितना ईमानदार और अपनी ड्यूटी के प्रति कितना डेडिकेटेड था, और हो भी क्यों ना। मुरारी दरअसल एक रिटायर्ड आर्मी सिपाही था, उसने कई साल देश की सेवा में काम किया और फिर घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अर्ली रिटायरमेंट लेकर दूसरी जॉब ढूंढने लगा। मुरारी एकमात्र ऐसा कर्मचारी था जिसकी सैलरी
इशिका के बाद सबसे ज्यादा थी। इसके पीछे का कारण था कि वो एक रिटायर्ड आर्मी सिपाही था। कुणाल और मुरारी के अलावा दो और कर्मचारी थे जिन्हें युग ने न केवल अपने ढाबे की टेबलों पर आकर बैठे ग्राहकों की सेवा के लिए हायर किया था, बल्कि उनकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पर अपने मेहमानों का स्वागत करने, उनके सभी सवालों के जवाब देने और शिकायतें हैंडल करने के लिए रखा था। युग के अनुसार रामदेव ढाबा में वेटर या वेट्रेस बनने के लिए अच्छा दिखना, बेहतर कम्युनिकेशन, रामदेव ढाबा के कल्चर की सही समझ, धैर्य इत्यादि खूबियां होना अनिवार्य था। युग के मन में एक बात तो साफ थी, रामदेव ढाबा का वेटर बनना कोई हंसी खेल थोड़े ही है। इशिका मिश्रा बाकी सभी कर्मचारियों से एकदम अलग थी। उसने इतनी हाई प्रोफाइल डिग्री और बैकग्राउंड होने के बाद भी एक वेटर बनना चुना, ये बात किसी भी इंसान के लिए हजम करना मुश्किल थी। अश्मि एक अनुभवी वेट्रेस है, उसे ये काम पहले से आता है, इसलिए उसके साथ मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इशिका इस फूड इंडस्ट्री में एकदम नई है, उसे हर एक चीज जीरो से सीखना होगा। युग ने अश्मि और इशिका को एक फ्रेम में रखकर कंपेयर करते हुए सोचा। हाँ, एक बात जरूर है, इशिका अश्मि से कहीं ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। आज पहले ही दिन काम पर केवल इशिका मिश्रा को देखकर बहुत सारे आदमी रामदेव ढाबा में खींचे चले आए, मानो इशिका कोई चुंबक हो, और वो सभी मर्द लोहा। इशिका को देखकर जितने भी लोग रामदेव ढाबा में खाना खाने आए, उनमें से कई ने तो उन पर लाइन मारना भी शुरू कर दिया, और कुछ दिलफेंक आशिक तो ऐसे भी निकले जिन्होंने टेबल पर से टिश्यू पेपर उठाया और उस पर अपना नंबर लिखकर इशिका की ओर पास कर दिया। युग दूर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। इशिका ने गेस्ट को नाराज न करते हुए मुस्कुराकर वो नंबर ले लिया और किचन में जाते वक्त उसे धीरे से डस्टबिन में फेंक दिया। युग ये देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, इशिका तो बड़ी ही समझदार निकली, उसने रामदेव ढाबा के मेहमानों को नाराज भी नहीं किया और उनसे किसी भी तरीके का पर्सनल कॉन्टेक्ट भी होने से खुद को बचा लिया। वाह भाई वाह। इसी तरह दिन बीतते गए और हर रोज इशिका की जादुई अदाकारी और जलवे को देखने के लिए कई दिलफेंक आशिक रामदेव ढाबा पर आकर अपनी जेबें खाली करते रहे। कुसुम भी शुरुआत से ही इशिका को काम करते देख रही थी। उसने युग को एक दिन अपने पास बुलाया और बोली, युग बेटा, इशिका तो बहुत ही समझदार और मेहनती लड़की है, हमारे ढाबे पर इसके आने से रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ मम्मी, आपने एकदम सही कहा, इशिका है तो बड़ी ही कमाल की। युग ने इशिका की ओर नजर घुमाते हुए कुसुम से कहा, अच्छा ये बताओ बेटे, तुम्हें इशिका आखिर मिली कहाँ? कुसुम ने युग से सवाल किया। कुसुम का सवाल सुनकर युग थोड़ा सहम गया। उसने अब तक इशिका की सच्चाई अपने मम्मी पापा से छिपाई रखी थी, लेकिन अब कुसुम ने सीधा सामने से युग से इशिका के बारे में सवाल कर डाला। युग कुछ कह पाता कि तभी पुष्कर नाथ वहाँ आए और बोले, तुम दोनों माँ बेटे कितनी बातें करते हो, धंधे के समय ये सब करने की क्या जरूरत है भला, चलो अपने अपने काम पर लग जाओ, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान लाने। कुसुम, तुम तब तक कुणाल के साथ मिलकर रसोई संभाल लो, और युग, तुम जरा काउंटर पर बैठ जाओ। अपने पापा के सही वक्त पर बीच में आने से युग बहुत खुश हुआ और उसने राहत की सांस लेते हुए मन ही मन सोचा, बच गए, आज तो लगभग मैं फंस ही गया था। अगर मम्मी को पता चल जाता कि मैं इशिका को केवल इसलिए लाया हूँ ताकि आसपास के आदमी उसे देखकर हमारे ढाबे पर आ सकें, और मैं इस काम के उसे 30,000 रुपए प्रति महीने देने वाला हूँ, तो मुझे बहुत डांट सुननी पड़ती। थैंक गॉड। रामदेव ढाबा के काउंटर की दीवार पर यादव परिवार की बहुत पुरानी फैमिली फोटो लगी हुई थी। पुष्कर नाथ के कहने पर कुसुम किचन में कुणाल के साथ पकवान बनाने लगी और युग काउंटर पर जाकर बैठ गया। युग की नजर अपने परिवार की फोटो पर पड़ी और वो उसे देखकर सोचने लगा, ये तस्वीर कितनी पुरानी है, मैं तब कितना छोटा सा था, दिल्ली के वो दिन कितने खुश थे हम सब, उस एक दिन के पहले जब अचानक हमारी दुकान में आग लग गई और सब खत्म हो गया, सब कुछ उस आग में जल गया, हमारे सपने भी। युग की आंखें भर आई और वो उस फोटो को देखकर बहुत इमोशनल हो गया। मुझे अब भी याद है वो भाग दौड़, पैसों की कमी और काम न मिल पाने का दुख जो मेरे पापा मम्मी ने कई महीनों तक सहा है। और फिर युग अपनी मम्मी की ओर देखता है और सोचता है, आज सब कुछ कितना बदल गया है। लोग सही कहते हैं, हर एक का अच्छा समय आता है, मुझे खुद से किया हुआ वादा निभाना ही होगा। मैं अपने मम्मी पापा को एक आराम भरी जिंदगी देना चाहता हूँ और उन्हें काम करने के टेंशन से मुक्त देखना चाहता हूँ। 4 नए कर्मचारियों के आने से यादव परिवार का काफी बोझ हल्का हो गया था। पुष्कर नाथ को अब दिन भर किचन में भट्टी के सामने खड़ा नहीं रहना पड़ता था। कुणाल के आने से कुसुम को भी अब किचन में कम ही समय बिताना पड़ता था। इशिका और अश्मि के आते ही कुसुम के कंधे से ग्राहकों को खाना परोसना और उनसे लगातार बातचीत करते रहने का काम भी हट गया था। वहीं युग अब रामदेव ढाबा के काम पर थोड़ा कम ध्यान देकर अपने स्कूल और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे सकता था। 100 बात की 1 बात, युग के द्वारा लाए गए 4 नए कर्मचारियों के कारण सभी का बोझ कई गुना घट गया था। पिछले कुछ दिनों में युग ने न जाने कितनी सारी नई किताबें पढ़ डाली थी, वो सभी सब्जेक्ट्स में पहले से ज्यादा माहिर हो गया था। हालांकि इस प्रक्रिया में काफी समय लग रहा था, लेकिन जो भी हो, युग अब एक बेहतर स्टूडेंट बनने की ओर बढ़ रहा था।
समय के साथ उसका कोर्स और भी कठिन होता जा रहा था, जिसके चलते युग को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। युग काउंटर पर बैठा अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहा था। मुझे इस साल और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे किसी ऐसे वैसे कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि देश के किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और वहां से ग्रेजुएशन करनी है। सभी लोग अपने अपने हिस्से का काम बखूबी कर रहे थे। युग के बाकी कर्मचारियों की तरह उसके स्कूल की लाइब्रेरियन अनुभूति मैडम भी अब रामदेव ढाबा का सोशल मीडिया हैंडल संभाल रही थी। उन्हें जैसे ही पेज पर ज्यादा ट्रैफिक आता दिखाई देता, वो फौरन युग को आवाज लगाती और उसे ये खुशखबरी एक्साइटेड होकर बताती। इसी तरह एक के बाद एक दिन बीतता गया और सितंबर का महीना खत्म हो गया। अक्टूबर आते ही पूरे शहर में दिवाली की धूमधाम शुरू हो गई। स्कूलों में बच्चों की एक हफ्ते की छुट्टी हो गई थी और लगभग हर सरकारी दफ्तर में भी छुट्टियों का ये तोहफा कर्मचारियों को मिला था। लेकिन रामदेव ढाबा के धंधे का अभी पीक टाइम चल रहा था। अब देखना यह है, क्या युग अपने कर्मचारियों को दिवाली की छुट्टी देगा? अगर धंधे को बढ़ाने के लिए उसने ढाबा चालू रखा तो उसके नए कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया होगी? जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।